मैं स्कूल जा रही हूँ। कुमुद बेटा, ब्याह में अब हफ्ता भी नहीं रहा और रिवाज से तो तुझे घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। बड़ी माँ, आज आखिरी बार जा रही हो, फिर पता नहीं मैं सबसे कब मिल पाऊंगी। अच्छा मैं जा रही हूँ। तू ऐसा कर, शाम को सबको घर पे बुला ले, नाश्ता बन जाएगा, फिर जी भर के बैठ के बातें करना, ठीक है? पर माँ, पूरा स्कूल थोड़ी आ पाएगा यहाँ पर। और आप दोनों को पता है कि मुझे इतवार नापसंद था, क्योंकि उस दिन स्कूल बंद होता था, और अब तो रोज ही इतवार होगा। अच्छा जा बस, पर एक शर्त पर, कल से रोज उपटन लगाएगी चेहरे पे। हाँ रोज नहीं, सुबह शाम दोनों बार। अब जाओ। अरे अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आज कोई भी पढ़ने को तैयार ही नहीं था, कह रहे थे कुमुद दीदी हमसे मिले बिना ही चली जाएंगी, इसीलिए सब तुमसे मिलने आए। ऐसे कैसे चली जाती, मैं स्कूल ही आ रही थी, पर तुम लोग यहाँ आ गए तो मेरी खुशी दुगनी हो गई। दीदी दीदी आप मत जाओ, अपने वरराजे को भी यहीं रख लो। बेटा आपको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं दुबई जा रही हूँ, वहां से मैं सब लोगों के लिए एक एक कंप्यूटर लाऊंगी। सबके लिए एक एक कंप्यूटर? हाँ, और ढेर सारे चॉकलेट्स और ढेर सारे खिलौने। तो जल्दी जाना दीदी। अच्छा मैं अभी चली जाऊँ? दीदी जितनी जल्दी जाओगी इतनी जल्दी कंप्यूटर लेके आओगी ना। अच्छा देखी तो इसमें क्या है। कुमुद तुम जहां भी रहो, माँ सरस्वती का हाथ हमेशा तुम्हारे सर पर बना रहे। ये तोहफा हमेशा मेरे साथ रहे। क्या हो गया कुमुद, क्यों इतना याद कर रही हो मुझे? फोन लगा था। सुनो मैं तुम्हें याद कर रही थी। जानता हूं। कैसे? इतनी देर से हिचकियां जो आ रही हैं मुझे। अब रुक जाएंगे। नहीं रुके, इसका मतलब कोई और याद कर रहा है तुम्हें। कोई और नहीं, 800 लड़कियां। 800? हमारी सगाई की खबर सुनते ही 800 लड़कियों का मेल आया मुझे। उन्होंने मुझे कहा कि अपनी सगाई तोड़ दो वरना हमारा दिल टूट जाएगा। वो सारे मेल अभी के अभी मुझे भेजो, ऐसा जवाब दूंगी कि दिल विल सब भूल जाएंगे। अरे बाप रे, माफ कर दो उन लड़कियों को। अरे बाप कुमुद, मेरी हिचकियां रुक गई, लगता है सारी की सारी लड़कियां तुमसे डर के भाग गई। अच्छा सुनो तो कि मैं तुम्हें क्यों याद कर रही थी। हाँ बोलो। मेरे स्कूल के बच्चों ने ना मुझे सरस्वती माँ की मूर्ति दी है, वो क्या जाने कि ये नाम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से जुड़ गया है। जल्दी आओ, जल्दी से हमेशा मेरे पास आ जाओ। तो फिर जल्दी आकर मुझे यहां से ले जाओ, और वो कोरी ओढ़नी सतरंगी कर दो।
अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? लाल। लाल? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा मटेरियल पसंद है? I mean, शिफॉन, सिल्क या कॉटन? सिल्क। सिल्क? हाँ बाबा सिल्क। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि फर्नीचर में क्या पसंद करती हो तुम? मेटल का फर्नीचर या लकड़े का फर्नीचर? मेटल का। मेटल का? हाँ मेटल का, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो मैं तुम्हें बाद में बताता। अरे मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, अभी मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? फोन करता हूँ मीटिंग के बाद। बाय 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 बाय। तुम्हारे साथ जाने की खुशी मैं ये भूल ही गई कि अपने घर से दूर होना पड़ेगा।